नहीं देखो, तिलमिला नहीं रहे हैं ये। एक्चुअली क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था और एस सी एस टी एक्ट जो बनाया गया था, उसमें शायद आपको भी ये पता होगा कि बहुत से लोग ये कुछ अभद्र भाषा यूज़ करते हैं जिससे कि जाति स्तर पर, जिससे कि कुछ लोगों का मनोबल गिरता है। नहीं नहीं, मनोबल नहीं गिरता, असल में क्या है, उससे कुछ वारदात होने का डर होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत दिमागदार और बहुत दूर की सोचने वाले आदमी थे, इसीलिए उन्होंने एक्ट बनाया कि उनको कोई चमहार कह करके या कोई अब्यूज लैंग्वेज उनके लिए यूज ना करें, जिससे कि भारत में कोई जातिवाद का आंदोलन हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए। और वो एक्ट इसीलिए ही बनाया गया था कि आप किसी को गलत गाली दें ना दें, जैसे कि मैं अगर आपको कोई अगर गाली देता हूँ तो उसका भी एक एक्ट है। तो वो उनके लिए वो जाति सूचक शब्द निकालना, वो भी एक एक्ट के अनुसार एक गाली है जो हर एक किसी का अपना मानवता का सम्मान, समानता का एक अधिकार वो होता है, उसको वो अपनी आसानी से जी सके। और आज जो लाखन जी ने जो वो किया है धरना प्रदर्शन जो उन्होंने किया था, वो वहाँ से 5 दिन से पैदल, दोनों पैर नहीं हैं उनके, आप ये देख सकते हैं कि उनके दोनों पैर नहीं हैं, और दोनों पैरों से वो ग्वालियर से लेकर के और यहाँ दिल्ली तक, हमने ये आपका प्रगति मैदान में गेट नंबर 3 के सामने हमें रोक लिया गया, वहाँ पर हम सवेरे से ही वहाँ से आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में आकर के हम अपना धरना क्या आपको ये वो मतलब इस तरीके का शोर उन्होंने नहीं, हमने कोई शोर सवारा शराबा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई हमारा कोई उग्र रूप का कोई आंदोलन नहीं था, कोई हमने कोई बस नहीं फोड़ी, ना आग लगाई, ना कोई आगजनी की, ना किसी को हमने गाली गलौज की। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा एक यही वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी की वजह से अगर एक्ट को बदला है या उसमें संशोधन किया है तो उसको ज़रूरी नहीं था। पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर कि पूरे भारत में एस सी एस टी एक्ट के अनुसार कितने लोग गिरफ्तार हुए? वैसे ही गिरफ्तार नहीं होते। और अब ये एक्ट आने के बाद मैंने खुद ये चीज़ सुनी है, मुझे भी कुछ लोगों ने ये बताया कि मुझे हमारे यहाँ के चैनल कास्ट के लोगों ने हमें, ठाकुरों ने, अब ब्राह्मणों ने हमें ये कहा कि अब बताएंगे चमहारों को। अभी 20 तारीख को जजमेंट आया तो 21 तारीख को इसी तरीके की वारदात हुई और उस पर एक नोटिस भी किया गया। वो नोटिस का तो देखो सर ऐसे ही चल रहा है, वो ये गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट का आजकल ये चल रहा है कि अंधी सरकार हो रही है, उनके मन में जो आ रहा है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे नौसिखिया लोग होते हैं ना, उसको बस ये होता है कि यार मुझे बस ये करना है तो मुझे यही करना है, चाहे उसमें घाटा हो नफा हो, किसी चीज़ की किसी को हानि पहुँचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या जो मंत्री, उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बहुजन पे, दलितों पे, मुस्लिमों पे, अल्पसंख्यकों पर मतलब इस तरीके के प्रहार कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इनका एक मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें अपना हिंदू धर्म जो है वो आगे बढ़ाना है। और हिंदू धर्म का कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, हिंदू धर्म एक काल्पनिक कथा है। तो काल्पनिक कथा को आप इतना पूज रहे हैं, अगर आप ओरिजिनलिटी को पूजेंगे तो शायद अमेरिका, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका से ज़्यादा आप ऊपर होंगे। मिलन जी, मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ कि जब ये आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करा और जब ये लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है और ये रामास्वामी नायगर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, जो एक निर्जीव है, जो कुछ नहीं कहती है, कि वो बहुजन समाज का प्रतीक है, लेकिन उनको इनसे भी डर है? नहीं सर, सबसे ज़्यादा डर तो उन्हें उन्हीं से ही है, क्योंकि वो निर्जीव नहीं है, वो अमर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति अमर रहे, अमर रहे, तो वो निर्जीव नहीं है, अमर है। और वो उन्हें एक तरीके से ऐसा लगता है, मनुवादियों को ऐसा लगता है कि वो मूर्तियां जो हैं वो हमें जीव चढ़ा रही हैं कि देखो हमने कि हमने तुम्हारे रहते हुए, तुमने हमें पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, पीने नहीं दिया, ओढ़ने नहीं दिया, पहनने नहीं दिया, और इवन किसी भी चीज़ का हमें अधिकार नहीं दिया, पर फिर भी हम लोगों ने अपने समाज को आज यहाँ ला करके खड़ा कर दिया, जो 5,500 साल में इन्होंने हमारे साथ पीढ़ी। पुलिस का आपके साथ क्या रवैया रहा, कैसा रवैया रहा? आज का रवैया ये रहा कि शुरू में तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पर जब उनके आला अधिकारियों ने जब उनको आदेश दिए होंगे तो यहाँ पर डिटेन करके उनको लाया गया, और वो जो हैंडीकैप थे उनको उठा करके
पांच पुलिस वालों ने हाथों से यूं उठा करके और अंदर डाला है उन्होंने। और महिला और कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ, महिला पुलिस उनके पास थी, मौजूद थी महिला पुलिस, पर महिला पुलिस पीछे खड़ी रही और सब पुलिस प्रशासन ने उन महिलाओं को हाथों से अंदर बस के अंदर ढकेला है और ढकेल करके लाया गया है। और उसमें से एक दो लोगों के चोट भी आई है, जो कि आप अभी देखना उनके खून वून भी निकल रहे हैं उनके।